हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निवेदिता। सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म भारत ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाना शुरू कर दिया है। खबरों की माने तो फिल्म के सारे शोज लगभग हाउसफुल ही जा रहे हैं। लगता है भारत का जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है। वहीं फिल्म ने पहले ही दिन 42 करोड़ 30 लाख रुपए की कमाई करके साल 2019 के लगभग सभी रिकॉर्ड्स तोड़ डाले हैं और साल 2019 की सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनर का खिताब अपने नाम कर लिया है। भारत के सामने पहले दिन केसरी और गली बॉय जैसी फिल्में भी पानी मांगती नजर आई, लेकिन भाईजान की भारत अपने ओपनिंग डे पर एक फिल्म को पछाड़ने में नाकामयाब रही है। दरअसल हम बात कर रहे हैं हॉलीवुड फिल्म एवेंजर्स एंड गेम की, जिसने भारत में अपने पहले दिन 53 करोड़ 10 लाख रुपए का कारोबार किया था। एवेंजर्स एंड गेम वो फिल्म है जिसने साल 2019 में सबसे बड़ी ओपनिंग दर्ज कराई थी, जिसे भाईजान की भारत भी पछाड़ने में नाकामयाब रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि भारत साल 2019 की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर है। कहना गलत नहीं होगा कि एक बार फिर हॉलीवुड बॉलीवुड पर भारी पड़ गया है। बता दें कि जिस दिन बॉक्स ऑफिस पर सलमान और कैटरीना कैफ की भारत रिलीज हुई थी, उसी दिन भारत का पहला वर्ल्ड कप मैच साउथ अफ्रीका के साथ था। ट्रेड एक्सपर्ट मान रहे हैं कि इसी वजह से भी फिल्म की कमाई पर असर पड़ा है। अगर बीते दिन भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच न होता तो भाईजान की फिल्म ओपनिंग डे पर 50 करोड़ के आसपास भी पहुंच सकती थी। खैर, अब जो भी हो, देखने वाली बात अब ये होगी कि क्या ये फिल्म सलमान के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन पाएगी या नहीं। वैसे आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।